थैंक यू है गाइस, यहाँ पर काफ़ी सिक्योरिटी है आज कुछ है ना। पुलिस है, सिक्योरिटी है। एंड ये रहा एक सिक्योरिटी रूम, विंडो रूम कह सकते हैं, जहाँ पर टिकट आई थिंक कलेक्ट होती हैं। हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉगिंग चैनल पर। वेलकम ऑन माय अनदर न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों, राइट नाउ मैं हूँ इस वक्त सूरत फोर्ट यानी कि इंडियन हिस्टोरिकल प्लेस पर, जो कि 16वीं शताब्दी यानी कि 16 सेंचुरी में इस्टेब्लिश हुआ था और बनाया गया था, जो कि एक मुगलों द्वारा था आई थिंक, कन्फर्म पता नहीं है मुझे भी, मैंने देखा था। और यहाँ पर काफ़ी पॉपुलर है और इसीलिए मैं सोचा कि मैं यहाँ पर आऊँ, विजिट करूँ और आप लोग को भी थोड़ा बताऊँ और जानकारी दूँ, एंड अच्छा लगे तो चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको कंप्लीट अंदर का पूरा व्यू एंड जो जो सामान है अभी इस वक्त, और वो भी दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर। क्या हुआ? रुक जाओ, अभी जाने का नहीं है। क्या हुआ? परमिशन नहीं है क्या? परमिशन नहीं है अभी, परमिशन नहीं है अभी, काम चल रहा है, रिलेशन चल रहा है। सो गाइस सॉरी यार, पता नहीं अक्सर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि जब मैं कहीं अच्छी जगह जाता हूँ आपको दिखाने के लिए तो अक्सर ऐसा हो जाता है। अभी यहाँ पर फिलहाल काम चालू है रिपेयरिंग का, दिखाता हूँ मैं आपको बाहर से, आउटसाइड से आपको पूरा व्यू दिखा देता हूँ जितना मेरे से हो पाएगा। और अभी दिखा रहा हूँ कि जहाँ पर काम लगा हुआ है फिलहाल। सो ये है आउटसाइड का व्यू और ये देख सकते हैं सामने काम लगा हुआ है, वहाँ पर एक वर्कर काम कर रहा है। एंड ये रहा एक सिक्योरिटी रूम, विंडो रूम कह सकते हैं, जहाँ पर टिकट्स आई थिंक कलेक्ट होती हैं। बाहर से आपको दिखा सकता हूँ जितना भी मेरे पास से हो पाएगा। और देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, वो देखिए तोपे रखी हुई हैं, जो कि एक पुराने हिस्ट्री में देखा जाता था अक्सर, पुरानी फिल्मों में भी आपने देखा होगा। सो ये एक रास्ता है अंदर जाने का, उधर एक गेट है बड़ा सा जो आप लोगों ने पुरानी फिल्मों में देखा होगा, बड़ा सा दरवाज़ा रहता है तो वैसा कुछ बना हुआ है। और उधर कलरफुल विंडो है, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो अभी आया हूँ मैं आउटसाइड और चलता हूँ ब्रिज पर, देखते हैं वहाँ से व्यू कैसा दिखता है। सिक्योरिटी गार्ड अंकल बोल रहे थे कि बाहर से व्यू अच्छा दिखेगा, तो आप ब्रिज से एक बार जाकर के वीडियो बना लीजिए। तो चलिए देखते हैं, दिखाते हैं आपको ब्रिज से पूरा व्यू। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ चुके हैं ब्रिज पर और यहाँ से जो व्यू है वो काफ़ी ऑसम है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो मैं अंदर नहीं जा पाया लेकिन आपको आउटसाइड से पूरा बाहर का व्यू दिखा देता हूँ, और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा आज का ये व्यू और ब्लॉग। सो ये बाहर के आउटसाइड का पीछे का बैक साइड का व्यू है, एंड इसके जस्ट बाजू में ही साइड में ये ताप्ती नदी है, जो कि बहुत ही पॉपुलर है गुजरात की रिवर्स में। चलिए अंदर नहीं जा पाए तो क्या हुआ, बाहर से ही इतना कुछ देख लिया है। और अभी मैं लेने जा रहा हूँ दाने चने यानी कि स्विंग दाना, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिकता है, देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादातर दुकानें उसी की हैं, और चने हैं और स्विंग दाना है, दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये
अंकल आप कौन सा नंबर? घर कभी अंदर घर नहीं, अंदर का एंट्री नहीं है, कभी कभी एंट्री हो जाती है। अच्छा, तो आप यहाँ डेली लगाते हो पर डे? हाँ, वो तो भीड़ उड़ रहता है यहाँ, क्राउड होता है? नहीं, एंट्री नहीं करते हम लोग। हाँ, हम लेबर लोगों का काम चाहते हैं। कितने दिन से आप यहाँ पर? यहाँ बहुत दिन हो गया, 15-20 साल, 25 साल हो गए। 15-20 साल हो गया गाइस, लेकिन अभी तक नहीं गए अंदर। चलिए, खैर कोई बात नहीं, हम जाने के लिए आए थे अंदर मगर नहीं जा पाए। अब जब स्टार्ट होगा तब जाएंगे, और सिंह दाना लिया है तो चलिए इसको फिनिश करते हैं, और जितना भी हो पाएगा उससे हम व्यू लेंगे अंदर का। और आते जाते लोग हमें ही देख रहे हैं कि ब्लॉग बना रहा है, शूट कर रहा है, क्या कर रहा है। चाय फिनिश कर ली यार, वीडियो बनाने भूल गया। यही होता है जब हम कहीं पे जाएं और वो काम पूरा ना हो तो मूड ऑफ हो जाता है। चलिए, खैर कोई बात नहीं, चाय चाय पी ली है। इधर पास में है गांधी बाग, तो वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं अंदर का व्यू और थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, एक बात और गाइस, मैं यहाँ पर आया तो एक आदमी ऐसा मिला जिनको पूरा डिटेल मालूम है, जो कि 40 ईयर्स से है। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे वार्तालाप करके पूछते हैं क्या क्या बात है। तो ये रहे वो भाई, क्या नाम है? अमित चायवाला। अमित चायवाला, तो कितने साल से आप यहाँ पे? जिला चालू है, ये लारी भाई, देख सकते हैं। कितने साल हो गए टाइम? 40 साल। 40 साल, 40 साल से गाइस ये यहाँ पर हैं और इनको पूरा पता है। बहुत लोगों से पूछा लेकिन किसी को पता नहीं था इनको, किले के बारे में पूरा पता है। काम चालू है, कितने साल हो गए काम को? काम चालू है। अच्छा, हाँ, तो इनका कहने का मतलब है कि पुराना किला था तो अभी नए किले में काम चालू है। हाँ, रेवोल्यूशन का काम चल रहा है। चलिए, थैंक यू। तो गाइस, अभी बैक साइड में ये है गांधी बाग और यहाँ पर टिकट्स नहीं मिलती हैं, फ्री है। तो चले चलते हैं अंदर और दिखाते हैं अंदर से जो जो व्यू होगा, थोड़ा बहुत घूमते हैं। अभी इतनी दूर आए हैं, उधर सूरत किला में तो नहीं घूम पाए लेकिन यहाँ चल।
तो ऊपर आ चुके हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं और फिर कंफर्म हो जाएगा। नहीं गाइस, ये वो जगह नहीं है जो मैं आपको बता रहा था, ये दूसरी जगह है और बैक साइड में जो देख रहे हैं यही है रविवारी मार्केट। पहले हम जहाँ पे चाय पिए थे वो रविवारी मार्केट नहीं था, वो एक गली मार्केट था और ये रहा मार्केट। और उसके बाजू में है ताप्ती रिवर, ताप्ती नदी। यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं और बैठने की जो सीटिंग है वो भी अच्छी व्यवस्था दी हुई है, बहुत ही अच्छा है। 10/9 मैं इसको पॉइंट दूंगा और बहुत ही ब्यूटीफुल है, हरा भरा है, बहुत पब्लिक आती है यहाँ पर, क्राउड भी है, अच्छा फील हो रहा है। तो गाइस अब चलते हैं घर यार, क्योंकि हमने गांधी बाग भी घूम लिया पूरा और चलते हैं बाहर। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे कि यहाँ पर पुलिस सिक्योरिटी क्यों दी गई थी, अब मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड गाइस, बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि हम इंडियन हैं और एक सच्चे हिंदू हैं, प्राउड ऑन मी एंड प्राउड ऑन माय इंडिया। एक्चुअली गाइस, आज रामनवमी है तो इसीलिए इतना क्राउड है और काफ़ी ज़्यादा शोर है और रैलियाँ निकाली जा रही हैं। तो गाइस, फाइनली घर पे आ चुका हूँ मैं और काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया मैंने, और आई होप कि आपने भी इस ब्लॉग को काफ़ी इन्जॉय किया होगा। जब मैं वहाँ पे गया और पता चला कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बंद है, तो उस वक्त काफ़ी मूड ऑफ हुआ था। फिर मैंने सोचा ड्रॉप कर दूँ, क्विट कर दूँ, नहीं बनाऊँगा ब्लॉग। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम हर समय अपनी सक्सेस को दिखाएं, हमें अपनी फेलियर को, जो हमारे साथ हुआ, जो कंडीशन थी, जो सिचुएशन थी और जिस तरह हमने उसको एडजस्ट किया, पिक किया, वो भी हमें दिखाना जरूरी है, और दिखाया मैंने आपको आज के ब्लॉग। चलिए खैर कोई बात नहीं, जैसा भी था वैसे हमने कंप्लीट किया और पूरा फन मोमेंट जितना भी था, हमने एंजॉयमेंट जो था
आपके साथ शेयर किया और आपने भी इंजॉय किया और मैंने भी इंजॉय किया। आई होप हमारा आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे कि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिल जाए। और गाइस जो नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा। बने रहे हमारे चैनल पर, नेक्स्ट टाइम जब ब्लॉग आए तो उसको तुरंत देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी तक लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।